नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आज एक और नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो। आप लोगों के काफी कमेंट आ रहे थे कि सर, पेमेंट शीट में और नॉर्मल शीट में क्या अंतर है, जेट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, रिजल्ट आने वाला है, तो सर आप हमें पेमेंट शीट के बारे में बता दो, नॉर्मल शीट के बारे में बता दो, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं रहता कि पेमेंट शीट और नॉर्मल शीट में क्या अंतर रहता है। फिर बाद में पछतावा होता है कि सर, मैं पेमेंट शीट में फंस गया, मुझे पता नहीं था, अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं नॉर्मल शीट पे ही क्या एडमिशन ले लेता। तो आज उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे कि पेमेंट शीट में क्या अंतर है, नॉर्मल शीट में क्या अंतर है, तो उसी चीज पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बता दूं पहले ही, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही, कि काउंसलिंग आपको अच्छी जगह से करवानी है, क्योंकि मेन जो खेल होता है वो काउंसलिंग का ही होता है। और अगर आप ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अगर नए हो, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो आप चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा लेकर आता है नए नए टॉपिक पर वीडियो। तो अपन देखते हैं कि पेमेंट शीट में और नॉर्मल शीट में क्या अंतर रहने वाला है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो, अगर आपको जेट, आईसीआर, बीएचयू या प्री पीजी की तैयारी करनी है, तो आप किसी भी प्रकार के गाइडेंस के लिए, कोर्स के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो। हमारी टीम दिन रात आपके कॉल और मैसेज का वेट करती रहती है। आप कभी भी शाम को भी मैसेज करके अगर आपके कोई भी डाउट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूछ सकते हो। कोई चार्ज नहीं लगता आपके क्वेश्चन पूछने का या मैसेज करने का या कॉल करने का। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कुछ भी जानकारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कभी भी कहीं भी ले सकते हो। ब्राइट एग्रो क्लासेस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है और कॉल करना है। ये चीज आपके लिए हमेशा रेडी रहेगी। आप मैसेज तो करो, आप मैसेज ही नहीं करते, आपको दे रखा है कि आप कमेंट करो, वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दो कि सर मेरे को ये चीज जाननी है, सर मेरे को ये गाइडेंस चाहिए, आप ये गाइडेंस दे दो। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, अपने जो नंबर है उन पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है या हमें कॉल करना है कि सर मेरे को ये चीज जाननी है। और किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको कोर्स लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अब चलते हैं अपन अपने टॉपिक की तरफ। की आज का टॉपिक था कि सर ये नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट क्या होती है। अभी एमपीयूटी उदयपुर के अंदर 60 सीटें बढ़ाई गई थी सर, 60 सीटें बढ़ाई गई थी, और वहां पर लिखा हुआ था कि पेमेंट होगी, पेमेंट की सीटें होगी ये 60 सीटें। यहां पर लिखा हुआ था कि सर ये क्या लोचा है पेमेंट सीट का, ये समझ में नहीं आया हमें, तो आप इसे हमें समझा दो। तो मैं आपको बता दूंगा कि पेमेंट सीट का क्या लोचा है बेटा। जैसे कि मान लो अपने एमपीयूटी है उदयपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसकी बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि उसके अंदर 20 सीटें हैं पेमेंट की, बाकी है नॉर्मल, ठीक है। अब जो ये 20 सीटें हैं उसमें प्रति सेमेस्टर आप मान लो 40,000 रुपए एक सेमेस्टर की आपकी फीस रहेगी। कितनी रहेगी, 40,000 रुपए एक सेमेस्टर की आपकी फीस रहेगी। मैं बात करूं 4 साल की तो आपकी 3,20,000 रुपए पूरी फीस रहने वाली है। 3,20,000 रुपए 4 साल की आप फीस दोगे, और वही नॉर्मल जो सीट रहेगी उसकी रहने वाली है 10,000 से 15,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस। कितनी, 10,000 से 15,000 रुपए फीस रहने वाली है। तो एक विद्यार्थी 10,000 से 15,000 रुपए के अंदर पूरी साल की पढ़ाई करेगा, पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई करेगा, और आप उसी सेमेस्टर के 40,000 रुपए दोगे, इसे क्या बोलेंगे, पेमेंट सीट का कमाल बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, पेमेंट सीट का कमाल बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कोई भी कॉलेज है, ठीक है, कोई भी अपने कॉलेज है और आपके नॉर्मल नंबर है कि सर मेरे तो 280 नंबर आ रहे हैं, 280 नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो बेटा मैं बता दूं आपको, अगर आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं सभी जो भी अपने चैनल पर जुड़े हुए हैं, सभी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूंगा कि एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो तो आप एक चीज जरूर सोच लेना कि कोई विद्यार्थी नॉर्मल सीट के 5,000 से 7,000 रुपए मान लो कॉलेज की फीस है, और पेमेंट की बात करें तो 30,000 से 40,000 रुपए पेमेंट की फीस है। ये कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, कि कॉलेज के अंदर इतनी सी फीस के अंदर सर एक सेमेस्टर की पढ़ाई वो करेगा और हम इतने देंगे, ये पेमेंट सीट का कमाल है। क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो रहती है उनके अंदर फंड के रूप में क्या करते हैं, पेमेंट सीटें रखते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है, कॉलेज का जो फंड है, उसके अंदर ये काम में आते हैं। जैसे कि मान लो एमपीयूटी में 60 सीटें बढ़ा दी,
60 सीटें बढ़ा दी, पेमेंट की बढ़ा दी सभी की सभी सीटें। इससे जो पैसा आएगा वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, रिसर्च में काम लेगी। अब बात करें कि सर डिग्री में क्या अंतर रहेगा, तो डिग्री की मैं बात बता दूं, पेमेंट वालों की भी डिग्री वही रहेगी और नॉर्मल सीट वालों की भी डिग्री वही रहेगी। डिग्री में कोई चेंज नहीं आने वाला, सेम डिग्री रहेगी आपकी, क्या रहेगी, सेम डिग्री रहेगी पेमेंट सीट वालों की भी और नॉर्मल सीट वालों की। और डिग्री के अंदर ये चीज कहीं पर मेंशन नहीं होगी कि इसने पेमेंट से की है या नॉर्मल से की है। अब बात करें, सीधी सी बात करें अपन कि सर मेरी घर की जो स्थिति है वो ये है और मेरे जेट में इतना स्कोर आ रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका एवरेज स्कोर है और आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है तो आप पेमेंट की सीट मत लगाना कोई सी भी, आपको दूसरी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी है ना, तो वो लगा देना आप चाहे से, लेकिन पेमेंट की सीट मत लगाना। पेमेंट के अंदर क्या होगा, जो फीस है बेटा वो मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा रहने वाली है और कोई अंतर नहीं है। पेमेंट सीट वाला विद्यार्थी भी उसी क्लास में बैठेगा, नॉर्मल सीट वाला विद्यार्थी भी उसी क्लास में बैठेगा और दोनों को सेम टीचर पढ़ाएंगे। ये चीज कहीं पर भी मेंशन नहीं होगी कि इसने ज्यादा पैसे दिए हैं या इसने कम पैसे दिए, बस वो आपके पैसे लग जाएंगे बेटा। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि पेमेंट सीट में और नॉर्मल सीट में क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको नॉर्मल सीट पर कोई कॉलेज मिल रही है गवर्नमेंट की, तो आपको पेमेंट सीट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्मल सीट पर ले लेना। अगर किसी विद्यार्थी के मन में है कि नहीं सर मेरे को तो एमपीयूटी में जाना है, मेरे 300 के तकरीबन नंबर आ रहे हैं और मेरे को तो एमपीयूटी से ही पढ़ना है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, तो आप पेमेंट सीट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे विद्यार्थी पेमेंट सीट लगा देना। और अगर कोई विद्यार्थी नॉर्मल सीट पर अगर कोई कॉलेज मिल रही है तो वो ले सकता है, पेमेंट की जरूरत नहीं है। या फिर किसी का घर मान लो कि पास में पड़ता है, ठीक है, अगर किसी का, अगर मान लो उनियारा टोंक कॉलेज है, अगर वहीं उनियारा का कोई लोकल बंदा है, वो चाहता है कि सर मैं तो यहीं पर रहूंगा और इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, क्या करूं, तो आप इसको नॉर्मल पर लगा दो और उसको बाद में पेमेंट पर लगा दो, ताकि एनी हाउ कंडीशन आपको ये कॉलेज वहां पर मिल जाए, ठीक है, आपको वही कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन मैं बता दूं उनियारा टोंक के अंदर बेटा पेमेंट की एक भी सीट नहीं है, पेमेंट की एक भी सीट नहीं है। तो कुछ कॉलेजेस ऐसी भी रहती है जिनमें पेमेंट सीटें है ही नहीं अवेलेबल, उनमें सिर्फ नॉर्मल सीट के बेस पे क्या होगा आपका एडमिशन होगा। तो आपको ये लिस्ट चाहिए ना कि सर कौन सी में पेमेंट सीट है, कौन सी में नहीं है, कौन सी में नॉर्मल सीटें कितनी है, तो वो आप हमें मैसेज कर देना, आपको हम प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी विद्यार्थी का घर पास में पड़ता है किसी कॉलेज के और वो चाहता है कि सर मैं 30,000-40,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरे घर के पास में ही कॉलेज चाहिए, तो बेटा वो पेमेंट सीट लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पेमेंट और गवर्नमेंट में जो अंतर था वो मैंने आपको बता दिया है कि मेन जो डिफरेंस रहता है पेमेंट और नॉर्मल सीट में वो क्या रहने वाला है। तो वही फीस जो विद्यार्थी 5,000-6,000 रुपए में अगर किसी कॉलेज की डिग्री करेगा 6 महीने की, आप वही 30,000-40,000 रुपए में करोगे। कई विद्यार्थी बिना ज्ञान के कारण क्या करते हैं, काउंसलिंग के समय नॉर्मल और पेमेंट की सीटें लगवा देते हैं। कुछ विद्यार्थी तो काउंसलिंग में लगवाते ही पहले पेमेंट की सीट है, क्योंकि ई मित्र वाले के पास आप जाओगे काउंसलिंग के लिए, बोलोगे, वो बोलेगा कि नॉर्मल और पेमेंट दोनों सीट है, क्या लगवानी है, आप बोलोगे सारी लगवा दो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग में आपको फोकस करना है, काउंसलिंग अच्छी जगह से करवानी है, वहां से करवानी है जिसको नॉलेज हो काउंसलिंग का। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है एनी हाउ कंडीशन, आप हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हमारे से बात कर सकते हो कि सर मैं काउंसलिंग करवाऊंगा, मेरे इतने नंबर है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी सीट लगवानी है, कौन सी सीट लेनी है, कौन सी कॉलेज में लगवानी है, आपको कौन सी सीट चाहिए, आप हमें बता सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सीट में क्या होगा, फीस कम लगेगी, पेमेंट सीट में फीस ज्यादा लगेगी, बेसिक सा फंडा है मैंने आपको बता दिया है, सेम डिग्री होगी, सेम एजुकेशन सिस्टम होगा, उसी क्लास में आप दोनों बैठ के पढ़ाई करोगे, जहां पर नॉर्मल वाला विद्यार्थी है वहां पर पेमेंट वाला विद्यार्थी भी पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो पेमेंट सीट पर जब फीस ज्यादा क्यों देनी, जब नॉर्मल सीट में अपने दूसरी कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन हो जाएगा। तो नॉर्मल और पेमेंट दोनों सीटों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी तैयारी करना चाहते हो कि सर मेरे को बीएससी करनी है, बीएचयू में दिक्कत आ रही है, बीएचयू की तैयारी करनी है, आईसीआर की तैयारी करनी है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। और बीएससी एग्रीकल्चर वालों विद्यार्थियों के लिए तो अपन पिछले 2 साल से कार्य कर रहे हैं। अगर आपको जेट वाले विद्यार्थियों को कोई सी भी कॉलेज मिलेगी तो आपको वहां पर जानने के बाद में जो एजुकेशन सिस्टम है उसका पता लगेगा, तो आप समझ जाओगे कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पिछले 2 साल से कृषि विद्यार्थियों के लिए कार्य कर रहा है।
जेड से संबंधित बीएचयू या किसी भी कॉम्पिटिशन से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और पेमेंट शीट और नॉर्मल शीट के अंदर जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, धन्यवाद।